जय श्री कृष्णा। नीलम के किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे हम आटे के मालपुए, और टेस्टी और मुंह में जाते घुल जाए, और एक बार में ही आपके मालपुआ परफेक्ट बनेंगे, नहीं तो आपके मालपुआ बिखरेंगे ना खराब होएंगे। तो मेरे तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, तो चलो बनाते हैं। आटे के मालपुआ बनाने के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, और ये लिए हमने एक कटोरी चीनी। तो हमने छोटी वाली कटोरी ली है और बड़ी वाली में आटा लिया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी, और पानी डाल के चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब डालेंगे हम आटा, तो आटा थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है सारा आटा, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा आटा डाल के अच्छे से मिलाएंगे, हमने सारा आटा डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिला। ये देखिए सारा आटा हमने अच्छे से मिला लिया है, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाएंगे तो इसमें लमस नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, और फटाक से आपका बैटर बन जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो अब डाल रहे हैं हम इसमें दूध। हमने इसमें सारा दूध डाल दिया और अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार है मालपुआ का, और मालपुआ के बैटर बनके इस तरीके का चाहिए। तो हमें इससे पतला भी नहीं चाहिए और इससे गाढ़ा भी नहीं चाहिए, इस तरीके का बैटर चाहिए, इससे ही आपका मालपुआ अच्छे से बन पाएंगे, नहीं तो नहीं आपके मालपुआ खराब होंगे ना बिखरेंगे, अच्छे से बन जाएंगे। इस तरीके का आपको बैटर बनाना है। तो हमारा बैटर बन चुका है, इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये हमने कढ़ाई ले ली है, और इसमें तेल डाल दिया है। आप घी से भी बना सकते हो, घी से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मालपुए। तो हमने तेल लिया है, और इसे हम गर्म होने देंगे, गैस चालू कर दिया है। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का ही गरम चाहिए हमें। तो अब डालेंगे हम बैटर। तो आप इस तरीके का चमचा या फिर आप कटोरी आपके हिसाब से ले सकते हैं, कटोरी या चमचा, तो एक साथ में अच्छा रहेगा। इस तरीके से डालेंगे चमचा से, तो आपको एक ही जगह डालना है। ये देखिए इसके साइड में बबल्स उठ रहा है ना, तो हमें इस तरीके का ही गरम चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, इतना ही गरम चाहिए। ये देखिए हमारे मालपुए ये तैरने लग गए हैं, तो ये एक साइड से सक गए हैं अच्छे से, तो इसे हम पलट लेंगे, एक साइड से अच्छे से सक जाए ना, उसके बाद हमें इसे पलटना है। इसे हमने पलट दिया है, अब इसे अच्छे से तल लेंगे। तो हमारे पुआ जब तक सक रहे हैं, जब हम बना लेते हैं चाशनी, तो मैं एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ और एक कटोरी पानी डालूंगी। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें हमने 2 इलायची डाली है, साबुत इलायची डाली है, 2 पाउडर नहीं डाला है। ये देखिए, तो ये हमें चिपचिपी चाहिए, तार नहीं बनाना है। तो अब हम कर देते हैं गैस बंद। ये देखिए हमारे पुआ सक चुका है, तो हमें इतना ही कलर चाहिए, इतना ही सेकना है, और इनको सेकने में पुआ को तलने में 3 से 4 मिनट लग जाती है। तो ये देखिए तो हम निकाल लेंगे, पुआ को हम डालेंगे चाशनी में। तो ये देखिए गरम गरम पुआ को हम चाशनी में डालेंगे, तो ये हमने डाल दिया है। तो मैं ये दूसरा नंबर का पुआ का बैटर भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए इतने ऊपर से डालना है, और एक ही जगह डालना है। ये देखिए हमारा दूसरा नंबर का पुआ भी तेल में लग गया है, तेल में
तो इसे भी हम पलट देंगे। ये देखिए हमारे दूसरे नंबर का पुआ भी अच्छे से सीख चुका है और हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे, इसे हम गरम गरम को ही चाशनी में डालेंगे, गरम गरम को चाशनी में डालेंगे। सारे पुए हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे मालपुए बना लिए हैं और चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, रेस्ट दे देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गई है। अब देख चेक करते हैं हमारे पुआ को, तो ये देखिए हमारे मालपुआ ने अच्छे से चाशनी को सोख ली है। और मैं आपको निकाल के बताती हूँ, इतने अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है। ये देखिए रस भरा। ये देखिए हमारे मालपुए आटे के बनके तैयार है। और कितने रस इसके अंदर, कितने रस है ये देखिए, बाहर से करंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके चाशनी वाले मालपुए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो फ्रेंड मेरे तरीके से बनाओगे तो आपके आटे के मालपुए बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और आप इस मालपुए को मैं बना रही हूँ सावन स्पेशल, रक्षाबंधन को, आप तीज को, आपका जब मन करे जब बना सकते हैं। बनाने में समय नहीं लगती है, बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, फटाक से बन के तैयार हो जाते हैं और इतना टेस्टी। तो फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये देखिए फ्रेंड बाय बाय।